गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर जो हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है वो किस तरीके से कंट्रोल होता है थ्रू दी हाइड्रोलिक सर्किट, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल ऑफ दी डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर, यानी जो डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है वो हाइड्रोलिक सर्किट के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल होगा। वो देखिए, अब ये सर्किट डायग्राम है तो मैं थोड़ा पोर्शन को फटाफट कंसीडर करने की कोशिश करूँगा, फटाफट खींचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको सिर्फ फ्लूइड का जो फ्लो है वही समझना होता है। तो ज़्यादा हम लोग इसमें टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पीछे बाकी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है, आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, डबल एक्टिंग सिलेंडर का मतलब क्या होता है? तो कि भाई जो सिंगल एक्टिंग, सबसे पहले तो आपको सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के मालूम होना चाहिए। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में एक ही इनलेट पोर्ट होता है और उसी इनलेट पोर्ट से फ्लूइड अंदर जाता है और वापस बाहर आता है। लेकिन डबल एक्टिंग सिलेंडर में ऐसा नहीं होता है। डबल एक्टिंग सिलेंडर में दो पोर्ट होते हैं, एक पिस्टन की लेफ्ट साइड होता है, एक पिस्टन की राइट साइड पे होता है। एक पोर्ट से फ्लूइड अंदर जाता है, दूसरे पोर्ट से फ्लूइड बाहर आता है। फॉरवर्ड लाइन होता है, एंट्री होता है, वापस आने के लिए रिटर्न लाइन होता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर हाइड्रोलिक सर्किट के थ्रू। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हर बार की तरह, ये हमारा रिजर्वियर है, ये हमारा फिल्टर है, ये मोटर है, ये पंप है। आप मोटर ऑन करोगे, पंप घूमेगा, पंप की मदद से जो भी हाइड्रोलिक फ्लूड है वो फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके आगे बढ़ेगा। पंप के बाद फ्लूड प्रेशराइज होगा। ठीक है, पंप के बाद फ्लूड क्या होगा? प्रेशराइज होगा। जो भी प्रेशर डेवलप हुआ होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेशर रेगुलेटिंग जो डिवाइस होता है डिस्प्ले करने के लिए, प्रेशर गेज, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई इतना प्रेशर वाला फ्लूड हाइड्रोलिक सर्किट में जा रहा है और वो फ्लूड आगे आएगा। ये जो पूरा हमारा असेंबली है वो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, अब ये जो स्पूल है उसको आप ऑपरेट करोगे, इसको आप इस तरफ खींच लोगे तो इनलेट वाल्व ओपन होगा, आउटलेट वाल्व क्लोज होगा। इसको आप इस साइड धक्का दोगे तो इनलेट वाल्व क्लोज होगा, आउटलेट वाल्व ओपन होगा। कुछ इस तरीके से इसका वर्किंग होता है स्पूल का। तो आपने क्या किया, स्पूल को ऑपरेट किया जिससे इनलेट पोर्ट खुलेगा, आउटलेट पोर्ट क्लोज हो जाएगा। अब हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशराइज हुआ है, वो आगे बढ़ रहा है और पिस्टन के अंदर यानी सिलेंडर के अंदर लेफ्ट साइड के जो पोर्ट है वहाँ से एंटर हो गया। प्रेशराइज फ्लूइड था, पिस्टन को धक्का देगा, पिस्टन जो यहाँ पे था हमारा अब वो मूव होके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब समझ रहे हो, पिस्टन जो पहले यहाँ पे था अब वो नेक्स्ट मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक फॉरवर्ड स्ट्रोक लग जाएगा। पिस्टन लेफ्ट टू राइट मोशन कर दे रहा है, लेफ्ट टू राइट चला गया, जिसको हमने फॉरवर्ड स्ट्रोक नाम दिया था। अभी आप चाहते हो कि आपको पिस्टन को वापस ले जाना है। ठीक है, तो आप ये जो स्पूल है उसको ऑपरेट करोगे। जैसे ही स्पूल को ऑपरेट करोगे अगेन ये जो वाल है वो क्लोज हो जाएगा और ये वाला जो पॉट है, ठीक है, ये वाला पॉट क्लोज हो जाएगा और ये वाला जो पॉट है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो हाइड्रोलिक फ्लूड आ रहा था अब वो प्रेशराइज होके यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ पे जाएगा अंदर, और पिस्टन को क्या करेगा तो कि भाई इस डायरेक्शन में धक्का देगा। तो पिस्टन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, डेट मीन्स कि पिस्टन अपनी इनिशियल पोजिशन में वापस आ जाएगा। पहले जो पिस्टन यहाँ पर था अभी वहाँ पर वापस आ जाएगा। उस दौरान इस साइड पे जो हाइड्रोलिक फ्लूइड था वो रिटर्न लाइन के थ्रू वापस क्या करेगा, रिजर्वियर के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ से भी अगर फ्लूइड रिटर्न होता है तो वो भी यहाँ से वापस चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की मदद से हम लोग हमारे टू यानी कि डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली जो वाल यूज़ होता है, यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल यूज़ किया, आपको खास याद रखना है, हमने यहाँ पे जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल यूज़ किया वो हमारा कौन सा वाल था, डायरेक्शन कंट्रोल वाल बेसिकली, तो वो हमारा 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल था।
जिस वाल्व से हमने फ्लूड के डायरेक्शन को कंट्रोल किया वो हमारा 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व था, जिसके अंदर चार पॉट होंगे और थ्री पोजीशन मिलेंगी हमको। क्लियर है? हम लोग आगे पढ़ चुके हैं बेसिक फंडामेंटल से, तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीजनरेटिव सिलेंडर सर्किट। क्या याद रखना है आपको? रीजनरेटिव सिलेंडर सर्किट, नाम उसका खास याद रखिए, क्योंकि टाइटल से ही आपको सारी सर्किट पूछी जाएंगी। सिंपली आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक्सप्लेन दी रीजनरेटिव सिलेंडर सर्किट, एक्सप्लेन दी सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सर्किट, या फिर डिस्क्राइब दी कंट्रोल ऑफ दी डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे टाइटल से दे जाएंगी। आपको फिर ये पूरा डायग्राम बना के, ये जो पूरा डायग्राम है वो बना के आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? तो देखिए, ये है हमारा रीजनरेटिव सर्किट। रीजनरेटिव सर्किट में बेसिकली क्या होता है, तब अगर आपको ये मैं सारी सर्किट एक साथ दे दूँ ना, तो आपको सब एक समान ही लगेगी। मैं आपको 25 सर्किट दे दूँ, ऐसी आएगी इस चैप्टर में बहुत सारी सर्किट है। 25 और 25 सर्किट आप देखोगे पहली बार तो आपको सब एक समान दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पिक्चर चेंज करने वाला पॉइंट है ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। हर सर्किट के अंदर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ही ऐसी चीज़ है जो पूरे पिक्चर के अंदर क्या करेगा, टर्न ओवर लाएगा, टर्न कर देगा, है ना। सडनली कुछ नई चीज़ ला देगा और पूरे जो सर्किट है या फिर हमारा पूरा जो कंसेप्ट है उसको ये मोड़ देगा, समझे। इसका पूरा मीनिंग चेंज कर देगा। तो आपको खास फोकस करना है हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर, जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होते हैं वो। हम लोग बात कर रहे हैं रीजनरेटिव सर्किट के अंदर। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। रीजनरेटिव सर्किट सिलेंडर कौन सा है देख के आप ये आपको पता चलना चाहिए। चलिए, इस सर्किट के साथ साथ मैं आपको कंपोनेंट को पहचानना कैसे वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको नज़र डालना है सिलेंडर के ऊपर। अगर सिलेंडर के अंदर दो पॉट है तो डबल एक्टिंग सिलेंडर है, अगर सिलेंडर के अंदर एक ही पॉट है तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। तो यहाँ पे हमने पास कौन सा सिलेंडर है, डबल एक्टिंग सिलेंडर है। फिर आप लोग वाल को पहचानो, वाल कौन सा है, ठीक है। तो वाल के आप पॉट देखिए, कितने पॉट है वाल के, तो 1 2 3 4, यानी 4। और पोजीशन कितनी, 1 2 3, पोजीशन कितनी है 1 2, और ये क्रॉस किया है वो 3, यानी 4x3 वाल्व है। ऐसा आपको फटाफट पहचानना है, सीखना होगा आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्टर, रिसर्वियर, पंप, मोटर, क्या करेगा ये, प्रेशर इंडिकेट करेगा, प्रेशर इंडिकेटिंग डिवाइस, ये रिटर्न लाइन, प्रेशर रिलीफ वाल्व, वापस ये प्रेशर इंडिकेटिंग डिवाइस। क्लियर है? ये जो लीकेज होता है ड्रेनेज के लिए वो है, ये भी लीकेज होता है ड्रेनेज के लिए, इसके लिए है, प्रेशर रेगुलर करने के लिए, प्रेशर रिलीव करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है? ठीक है, देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, कल मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी चीज़ है वो, ठीक है। कुछ नोजल जैसा दिख रहा है, बाकी आप समझ लेना, मैंने आपको हिंट दे दिया है। चले, किस तरीके से वर्क करेगा हमारा रीजनरेटिव सर्किट, हाइड्रोलिक फ्लूड फिल्टर के थ्रू, पंप के थ्रू प्रेशराइज होकर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, सीधा जाएगा। आपने वाल्व को ओपन किया है तो सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, पिस्टन को आगे धक्का देगा। इस दौरान कोई कंप्लेन नहीं होगा। फिर अगर आपको पिस्टन को वापस लाना है तो आप क्या करोगे, वाल्व को यहाँ से ऑपरेट करोगे। अब वही हाइड्रोलिक फ्लूड जो है हमारा, ठीक है, ये पूरा वाल्व बंद हो गया, सीधा हाइड्रोलिक फ्लूड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और पिस्टन को वापस धक्का दे देगा। क्लियर? यहाँ तो बोलोगे कि सर ये तो हमने डबल एक्टिंग में देख लिया, तो ये कहा है का रीजनरेटिव सर्किट हुआ, तो अभी आपका ध्यान यहाँ पे गया नहीं। ये क्या है, तो ये तो किसी ने देखा ही नहीं, सबको ऐसा ही लगा कि यहाँ से पिस्टन को धक्का दिया फॉरवर्ड लगा, यहाँ से धक्का दिया तो रिटर्न लग गया, तो ये क्या है हमारा। तो वही हमारा रीजनरेटिव पोर्शन है, वही हमको क्या करेगा, तो कि भाई कुछ ना कुछ क्या करेगा, बाईपास वाला सिस्टम प्रोवाइड करेगा। बाईपास का मतलब क्या होता है, तो कि भाई कुछ देर के लिए अगर आपको फ्लूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो प्रेशराइज फ्लूड है वो आपका यहाँ पे आया है वो भी बाईपास हो जाएगा और वापस सिस्टम में घूम के यहाँ से रिटर्न चला जाएगा। क्लियर है? अब ये जो किस लिए हम लोग यूज़ करेंगे,
तो यहाँ पे जो हमने छोटा सा डिवाइस रखा है, नोजल जैसा दिख रहा है आपको, कैपिलरी ट्यूब जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ हम लोग उसके थ्रू एनर्जी को रिजनरेट करेंगे और दूसरे जो वाल्व है, दूसरी जो सर्किट है उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमको देखना है सर्किट के अंदर डबल पंप हाइड्रोलिक सिस्टम। अब तक हमने हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर एक ही पंप देखा, पंप को चलाने के लिए एक ही मोटर देखी, अब हम लोग देखने वाले हैं डबल पंप हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है, जो है अनलोडिंग सर्किट बोला जाता है। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आपको ट्विस्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। डबल पंप हाइड्रोलिक सिस्टम, क्या नाम है उसका? अनलोडिंग सर्किट। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्किट भी देखेंगे और उसके कंपोनेंट को भी पहचानेंगे। अभी आप लोग को थोड़ा थोड़ा मज़ा आ जाएगा कंपोनेंट पहचानने में। चलिए सबसे पहले फोकस करेंगे सिलेंडर के ऊपर। कौन बताएगा कौन सा सिलेंडर है? तो क्या डबल एक्टिंग सिलेंडर है सर, वेरी गुड, बढ़िया। वाल्व कौन सा है? लिख लिया है लेकिन डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए। 1 2 3 4 पॉट है, 1 2 3 पोजीशन है, तो 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, बढ़िया। फटाफट फटाफट ऐसा याद आना चाहिए। चलिए आगे, चलिए मोटर ढूंढिए। मोटर सबसे पहले पंप ढूंढिए, एक पंप यहाँ पे, एक पंप यहाँ पे, जहाँ पंप होगा उसको चलाने के लिए बाजू में मोटर होगा। जी जी बढ़िया, पंप चलाने के लिए मोटर दिया गया है, ठीक है। प्रेशर रिड्यूसिंग या फिर प्रेशर रिलीफ सिस्टम है, यह भी हमारा प्रेशर रिलीफ सिस्टम है, यह भी प्रेशर अनलोडिंग के लिए रिलीफ सिस्टम गया दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से डबल पंप के थ्रू भी हमारा हाइड्रोलिक सर्किट वर्क कर सकता है। ऊपर का ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक तो आपने देखा ही है कि भाई एक बार सर्किट को ओपन करना है, यहाँ से पिस्टन को आगे धक्का लगाना है, फिर यहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूड को सप्लाई करना है और पिस्टन को वापस धक्का लगाना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यही सिस्टम है, इसी तरीके से वर्क होता है हर बार, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन दिया गया है, ठीक है, वो कुछ यहाँ तक आपने कॉमन देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक आपने कॉमन देखा होगा, इसको भी निकाल लीजिए यहाँ तक, ठीक है। आगे हमने ऊपर देख लिया रीजनरेटिव से पहले डबल एक्टिंग सिलेंडर का जो सर्किट था उसमें, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके वहाँ पे सेम टू सेम दूसरा लगा दिया, मतलब डबल एक्टिंग सिलेंडर के अंदर जो पूरा हाइड्रोलिक सर्किट था उसका जो बॉटम वाला पोर्शन था, एनर्जी डेवलप करने वाला जो पोर्शन था, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के नीचे वाला जो पोर्शन था उसको हमने दुगना कर दिया, यानी सेम हमने दो बार लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया और सबको आपस में जोड़ के डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के साथ सेट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया कि बाई चांस ऐसा आप सोचिए, ऐसा आप सोचिए कि अभी हमने दोनों पंप या दोनों मोटर में से किसी एक को ही चलवा रहे है ना, यही सिस्टम काम कर रहा है और हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो बढ़िया से काम कर रहा है, क्लियर। सडनली ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ और ये वाला हमारा जो पोर्शन था सर्किट का, ये वाला जो पोर्शन था वो बंद हो गया। अब ये बंद हो जाएगा और सोचिए कि ये तो है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक ही सिस्टम होगा हमारा, एक ही पंप होगा, एक ही मोटर होगा, मोटर बंद हो गया, पंप बंद हो गया, कुछ और हो गया, तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए हमने क्या किया, एक ऑक्सिलरी पंप और मोटर वाला अरेंजमेंट साथ में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया हमने। अगर ये वर्क करेगा तो उस टाइम पे ये बंद रहेगा, तो आप इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, या फिर उल्टा, अगर ये वर्क कर रहा है तो इसको बंद रखिए, ये मेंटेनेंस में जाएगा, ठीक है। अब दोनों रेडी है, दोनों अगर रेडी है काम करने के लिए तो क्या कीजिए, तो कि इससे अगर वर्क होगा ठीक है, तो चलता चलने दो, वर्क होने दो, इसको आप स्टेशनरी रखो बाई स्टैंड बाई में। अगर इसके अंदर कुछ फेलियर आ गया, सडनली ये काम करना बंद हो गया, तो उस टाइम पे हम लोग जो स्टैंड बाई है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इससे हमारी हाइड्रोलिक सर्किट के जो भी ऑपरेशन है उसको कंटिन्यूसली हम क्या कर सकते हैं, आगे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग उसको कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हैं और इसका जो भी प्रोडक्शन है वो चालू रख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिर्फ सिस्टम को दोगुना बढ़ा दिया है, सेम अरेंजमेंट सिस्टम हमने दोबारा रख लिया है, जिससे हमारा सर्किट या फिर हमारा कोई भी काम है वो रुकेगा नहीं और जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है
प्रोडक्शन का मतलब है जो कंटिन्यूस ऑपरेशन है वो सिस्टम का चलता रहेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं क्या, डबल पंप सर्किट, यानी एक ही सर्किट के अंदर हमने एनर्जी जनरेट करने के लिए दोनों चीज़ों को, यानी कि दोनों मोटर, दो मोटर, दो पंप और दो प्रेशर रिलीफ वाल्व, दो प्रेशर गेट, सारी सिस्टम हमने अरेंज कर लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग स्टैंड बाई में एक ड्राइविंग सिस्टम को रख के किसी भी ऑपरेशन को हम लोग कंटिन्यूसली परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे डबल पंप सर्किट किस तरीके से काम करता है, फिर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर और अनलोडिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा वो हमने आज देख लिया। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, और ढेर सारी सर्किट है जिसको हम लोग देखने वाले हैं आगे चैप्टर में। ओके, आज जो मैंने आपको करवाया है वो आप थोड़ा अच्छे से सर्किट को ड्रॉ करके, सर्किट को जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम बना के डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।